बड़े से जंगल में एक बड़ा सा तालाब था। क्रेंस का झुंड उसी तालाब में रहता था। उनका गुजारा उस तालाब के मछलियों से होता था और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहता था जिसका नाम था ट्रिकी। ट्रिकी भी तालाब में जाता और वहां पर मछलियां पकड़ता। एक वाइटी नाम का क्रेन ट्रिकी की मदद करता। वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए और अपना वक्त साथ में गुजारने लगे, खेलते कूदते बातें करते। और एक दिन, सुनो दोस्त, तुम मेरी हर मुश्किल में हमेशा मदद करते हो। मैं तुम्हें दावत देना चाहता हूँ, अगले रविवार तुम मेरे पास खाने पर क्यों नहीं आ जाते? वहाँ पर तुम्हें बहुत मजा आएगा। आओगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। संडे की सुबह बिल्कुल बन ठन कर वाइटी अंगूर लेकर ट्रिके के घर की ओर निकल पड़ा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारा स्वागत है मेरे दोस्त, अंदर आओ। कुछ वक्त दोनों ने बातचीत की। उसी दौरान सूप के महक से पूरा घर महक उठा। वाइटी से और सबर नहीं हो रहा था। ट्रिकी को ये बात समझ में आई और वो बोला, सुनो दोस्त, खाने का वक्त हो गया है, चलो खाना खाते हैं। मुझे भी भूख लगी है, चलो खाएं। ट्रिकी ने वाइटी के साथ मस्ती करने की सोची, तो ट्रिकी ने सूप दो प्लेट में परोस दिया और मेज पर रख दिया। हे दोस्त, चलो खाना शुरू करो, तुम्हारे मन पसंद केकड़े का सूप है, चलो खाओ। वाइटी से अब रुका नहीं जा रहा था, पर वो चौंक गया जब उसने देखा कि सूप तो प्लेट में है। ट्रिकी ने सूप का मजा लेना शुरू कर दिया, पर वाइटी परेशान था क्योंकि वो सूप पी ही नहीं पा रहा था क्योंकि सूप तो प्लेट में था। वाह, यमी, स्वाद कैसा था वाइटी? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा सूप कभी टेस्ट नहीं किया। शुक्रिया बुलाने के लिए, मैं चलता हूँ। वाइटी खाली पेट लेकर ही घर लौट गया। वो बहुत ही नाराज था। वाइटी ने ट्रिकी को सबक सिखाने का फैसला किया और एक तरकीब सोची। अगले दिन जब ट्रिकी आया तो वाइटी उसे हमेशा की तरह ही मिला। कैसे हो दोस्त, तुम्हारी तरह मैं भी तुम्हारी खातिरदारी करना चाहता हूँ। मेरे घर डिनर पर आओगे? हाँ जरूर, जरूर आऊंगा। शाम को ट्रिकी वाइटी के घर पहुंच गया। स्वागत है, स्वागत है, तुमने मेरा सम्मान बढ़ाया है। दोनों ने कुछ देर गप्पे लड़ाए। वाइटी के बनाए सूप से पूरा घर महक उठा था। ट्रिकी के मुंह से पानी आ गया। ठीक है, चलो खाना खाएं, चलें। वाइटी अंदर गया और सूप को दो बड़े जार में भर कर ले आया और मेज पर रख दिया। शुरू हो जाओ, तुम्हारा मन पसंद फिश सूप तैयार है, खाओ इसे। ट्रिकी जार देखकर चौंक गया। तुमने सूप को तो जार में परोसा, अब मैं इसे कैसे पीऊं? इसकी खुशबू मुझे पागल कर रही है, मैं इसे किसी भी तरह से पीना चाहता हूँ। ट्रिकी ने जार से पीने की हर मुमकिन कोशिश की पर वो नाकामयाब रहा। वो जार उसके मुंह में फंस गया। उसने जार को निकालने की कोशिश की पर वो निकाल नहीं पाया। वो यहाँ वहाँ भागा और आखिरकार जार टूट गया।
मुझे माफ करना दोस्त, मैंने अपना सबक सीख लिया। मैं कोई बदमाशी नहीं करूंगा, तुम्हारा अच्छा दोस्त बन के रहूंगा। गुड बाय।